AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया है कि मेरठ से लौटते वक्त उनकी गाड़ी पर हमला हुआ है। उन्होंने कहा कि छिजारसी टोल गेट पर मेरी गाड़ी पर गोलियां चलाई गई, 4 राउंड फायर हुए, 3-4 लोग थे, सबके सब भाग गए और हथियार वहीं छोड़ गए। मेरी गाड़ी पंचर भी हो गई, मैं दूसरी गाड़ी में बैठकर वहां से निकला। पिलखुवा के पास जो टोल गेट है वहां पर हम पहुंचे, हमारे साथ 4 गाड़ियां थी। हमारी गाड़ी के सामने हाजी साहब की टाटा सफारी थी जो पीछे आपके, और हमारी गाड़ी के पीछे और 2 फॉर्च्यूनर थे। तो जैसा हम टोल गेट के करीब गाड़ी स्लो हो जाती है, बैरिकेड होता है, तो एक बड़ी धाम से आवाज़ आई। तो हम बोले क्या हुआ, फिर दूसरी आवाज़ आई। तो हमारे साथ जो गाड़ी में हमारे दोस्त गाड़ी चला रहे थे यामिन खान, बोले भाई हमला हो रहा, हमला हो रहा। तो हमारी गाड़ी से उन्होंने बड़ी क्विक थिंकिंग से इस गाड़ी को पुश किया, ये सफारी को, और वहाँ से निकले। फिर और एक आवाज़ आई, जब निकल रहे थे एक और आवाज़ आई। तो मेरे ख्याल से 3 से 4 राउंड की फायरिंग हुई। हमारी गाड़ी के लेफ्ट साइड के ऊपर 2 होल्स के निशाने, एक गोली शायद और एक निशान है लेफ्ट साइड मडगार्ड के ऊपर। हम जब गाड़ी से आगे बढ़े तो हमारा, क्योंकि हमारी गाड़ी से उसकी गाड़ी को हमने पुश किया मारा, राइट साइड का टायर पंक्चर हो गया। फिर एक वहाँ एक फ्लाईओवर है, वहाँ पर गाड़ी रोककर हम इस गाड़ी में बैठ गए और दिल्ली को आ गए, क्योंकि हमको लगा कि रेकी कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे हमको। असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर फायरिंग मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस एक्शन में आ गई है। यूपी पुलिस ने असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर फायरिंग मामले में एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है और एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। यूपी पुलिस के ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा है कि पुलिस को इस मामले में अहम सुराग मिले हैं, जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा होगा। वीडियो फुटेज को देखने से तथा जो लोग वहां हिरासत में लिए गए थे उनसे मिलान करने पे उसमें से एक व्यक्ति ने के द्वारा घटना कारित किया जाना प्रकाश में आया है तथा उसे हिरासत में लिया गया है। उसे उसके पास से एक अवैध 9mm की पिस्टल बरामद हुई है। वीडियो फुटेज के आधार पर अन्य कार्रवाइयाँ आगे प्रचलित हैं। घटना के क्या कारण थे और इस साजिश में या इस घटना में कौन कौन व्यक्ति शामिल हैं, इसकी पूरी जानकारी पूरी जांच पड़ताल के बाद हो पाएगी। जैसे ही जांच पूरी होती है हम मीडिया के साथ पूरी चीजें शेयर करेंगे। वहीं हापुड़ के पिलखुवा में छिजारसी टोल बैरियर के पास ओवैसी के काफिले पर हमले के मामले में मेरठ रेंज के IG प्रवीण कुमार ने इस घटना पर कहा है कि एक संदिग्ध आरोपी को हिरासत में लिया गया है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है और उसके बाद मामले पर पुलिस खुलासा करेगी। देखिए, पहले जो सूचना मिली है उस बेसिस पर मौके का यहाँ पर हम लोगों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया हुआ है। जो साक्ष्य थे उनको हमने संकलित किया हुआ है। एक व्यक्ति जो CCTV के आधार पर चिन्हित हुआ है उसको हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ की जा रही है। पूरी घटना के बारे में गहराई से सभी पहलुओं पर जो संबंधित चश्मदर्शी थे उनसे बात की गई है। बाकी अभी और गहराई से पूछताछ करके इसको लॉजिकल एंड तक लेकर अभी बहुत प्रिलिमिनरी है सारी चीजें। वो यहाँ से आए, यहाँ पर 2 लोग थे, अब ये भी इन्वेस्टिगेट करना है कि इनके साथ में थे या पहले से खड़े हुए थे, उसके पश्चात ये सिचुएशन एक हुई है वहां पर। इसको हमको, हमने एक व्यक्ति हिरासत में ले लिया है, वहां पर जो फोर्स थी उसने तत्परता से उसको हिरासत में लिया है, पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि यूपी चुनाव के सिलसिले में जब ओवैसी मेरठ से दिल्ली की ओर रवाना हो रहे थे तभी छिजारसी टोल प्लाजा पर उनके काफिले पर फायरिंग हुई। फायरिंग करने वाले 3-4 की संख्या में थे जो फरार हो गए। ओवैसी की कार पर बुलेट के भी निशान हैं। बताया जा रहा है कि काफिले की 1-2 गाड़ी पंचर भी हो गई। ओवैसी के काफिले पर हुए हमले की समाजवादी पार्टी ने निंदा की है। समाजवादी पार्टी ने एक ट्वीट कर कहा है कि लोकतंत्र में किसी भी तरह की हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष की गाड़ी पर गोली चलने की खबर बेहद दुखद और निंदनीय है। घटना के जिम्मेदारों पर कठोर कार्रवाई हो।